नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है और इस डिस्कशन में अब वक्त है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो आइए देखते हैं ये ए पी क्यू सी एक इदारा है द अमेरिकन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी सेंटर इन्होंने 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश की ट्रांसफरिंग द एप्लॉइ क्रिटिकल नॉलेज इस नाम से और इन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई की बेस्ट प्रैक्टिसेस 19 उनकी तादाद है और उन्होंने Uh, क्या किया कि एसोसिएटेड विद आइडेंटिफाइंग कैप्चरिंग ट्रांसफरिंग एंड अप्लाइंग क्रिटिकल नॉलेज और इन्होंने इन 19 जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी इनको छः थीमेटिक कैटेगरीज़ में तकसीम किया तो सबसे पहले हम वो कैटेगरीज़ देख लेते हैं थीम्स कौन से हैं और उसके बाद फिर हम बेस्ट प्रैक्टिस को देखते हैं एक एक करके तो ये छः थीम्स हमारे सामने हैं सबसे पहले है क्रिएटिंग अस्ट्रेटी एंड प्रोसेस टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल नॉलेज दूसरा है आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल नॉलेज इसके बाद तीसरा है कैप्चरिंग एंड ट्रांसफरिंग क्रिटिकल नॉलेज उसके बाद है मैनेजिंग एक्सेस टू क्रिटिकल नॉलेज उसके मैनेजिंग चेंज रिलेटेड टू नॉलेज कैप्चर ट्रांसफर एंड री और इसमें आखिरी है इंश्योरिंग क्रिटिकल नॉलेज इज अप्लाइड एंड यूज तो सबसे पहले जो है वो है क्रिएटिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोसेस इसमें क्या क्या शामिल है कि क्रिएट अ कंप्रीहेंसिव या नॉलेज कैप्चर एंड ट्रांसफर स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन बिजनेस कंटिन्यूटी कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है हम पिछले मॉड्यूल्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे मेथड्स हैं बहुत सारी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं नॉलेज को कैप्चर करने की लेट बिजनेस लीडर्स ड्राइव द स्ट्रेटजी एंड प्रोसेस कि जो बिज़नेस के लीडर्स हैं जो टॉप मैनेजमेंट है उन्हें ये फैसला करने दीजिए कि किस तरह से इस काम को करना है विद केम फंक्शनिंग एज एन एनेबलर के एम का जो शोबा है के एम का जो स्टाफ है उसके साथ एक एनेबलर के तौर पर काम करेगा डिज़ाइन द स्ट्रेटजी एंड प्रोसेस विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एपीटाइट इन माइंड कि ये आपने एक एक डिसीजन लेना है कि स्ट्रेटजी किस तरह की होगी प्रोसेस किस तरह से होगा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी अपने जहन में रखना है और एक एपीटाइट के तौर पर एक एक यानी सबको पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी का फ़ायदा क्या होगा किसको किसको किस को, किस, को किस तरह से इसका फ़ायदा पहुंचेगा इसके बारे में आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वह है आइडेंटिफाइंग अब अपने क्रिटिकल नॉलेज को आइडेंटिफाई करना है लेट बिजनेस लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स डिटर्मिन वट नॉलेज इज़ क्रिटिकल बट प्रोवाइड क्राइटेरिया टू सपोर्ट देयर डिसीजन मेकिंग आप अगर नॉलेज मैनेजर हैं या नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोफेशनल हैं तो आपने उन्हें क्राइटेरिया बना के देना है ये फैसला जो है ये बिज़नेस लीडर्स ने करना है जो टॉप मैनेजमेंट है और जो एक्सपर्ट्स होंगे डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट सेक्शंस की तरफ से आए हुए उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि किसी काम को करने के लिए किसी प्रोसेस को करने के लिए कौन सा नॉलेज जो है वो क्रिटिकल है इम्पोर्टेंट है और उसका लॉस नहीं होना चाहिए आपने क्राइटेरिया बना के देना है कि वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें लिवरेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड ग्रास एंड ग्रास रूट्स अप्रोच टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल नॉलेज कि नॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टॉप डाउन का अप्रोच है कम्युनिकेशन की उसको भी सामने रखना है और जो ग्रास रूट अप्रोच है यानी डाउन टू टॉप वो उसको भी सामने रखना है तो इस इन दोनों तरीक़ों से जो है वो आइडेंटिफिकेशन का काम होगा इसके बाद है जी कैप्चरिंग एंड एंड ट्रांसफरिंग

और साथ साथ आपने देखना है कि नॉलेज जो है वो कितना डायनामिक है नॉलेज के अंदर चेंजेस कितनी तेज़ी से या देर से आती हैं इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए आपने कैप्चरिंग का फैसला करना है स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक नॉलेज एलिसिटेशन एज अ टाइम बाउंड इवेंट विद क्लियर गोल्स माइल स्टोन रिस्पॉन्सिबिलटीज़ एंड आउटकम्स इसका मतलब यह है कि आपने प्रॉपर तरीके से इसकी प्लानिंग करनी है कि ये जो काम है नॉलेज uh, कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का ये इसके लिए एक सिस्टम बनाने का ये काम कैसे होगा और इसमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे देनी है असेसमेंट कैसे करनी है आउटकम कैसे आएगी और ये टाइम बाउंड होना चाहिए बिल्कुल ओपन नहीं होना चाहिए कि जब जिसका दिल करे इस काम को कर ले टाइम बाउंड होना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर एक स्केज बनना चाहिए उसके बाद है प्रोवाइड मल्टीपल चैनल्स फॉर इनफॉर्मल नॉलेज कैप्चर एंड मेक इट ईजी इनफॉर्मल जो नॉलेज है यानी जो टेस्ट नॉलेज है उसको कैप्चर करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो रखनी चाहिए और मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ आप बनाएं ताकि डिफरेंट साइड से जो नॉलेज आए वो आपके पास एक रिच फॉर्म में नॉलेज आ जाए डेवलप अ प्रोसेस टू कैप्चर एंड ट्रांसफर नॉलेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक रोल्स जो स्पेसिफिक रोल्स हैं उसके लिए आप एक सिस्टम बना दें एक प्रोसेस बना के दें कि जिसके नतीजे में नॉलेज जो है वो कैप्चर होता रहे तो नॉलेज कैप्चरिंग की जो लेवल था उस उसमें ये सारी बेस्ट प्रैक्टिस थी उसके बाद है मैनेजिंग एक्सेस कि जब नॉलेज आपके पास आ गया उसके बाद क्या करते हैं मेक नॉलेज ब्रॉडली एक्सेसिबल अनलेस देर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न टू रिस्ट्रिक्ट इट कि, कि नॉलेज जब आपके पास आ गया आपने उसे स्टोर कर लिया तो आपने उसको फिर एक्सेसिबल बनाना है सब के लिए असूलन इन प्रिंसिपल लेकिन आ, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों तो फिर आप किसी एक ख़ास तबके के लिए उस नॉलेज को रखेंगे दूसरों को मना कर देंगे मेक एक्सेस ईजी एंड पार्ट ऑफ एम्प्लॉज़ वर्क फ्लोज का जो रूटीन का काम है उसमें शामिल करें कि वो किस तरह से नॉलेज को सर्च करें और यूज़ करें और ये सर्चिंग और यूज़ उनके लिए आसान होना चाहिए ऑफर सेल्फ सर्विस टूल्स टू नेविगेट फिल्टर एंड कस्टमाइज द फ्लो ऑफ नॉलेज कि तो उनको उस नॉलेज को नेविगेट करने के लिए फ़िल्टर करने के लिए उसको कस्टमाइज़ यानी लोकलाइज करने के लिए उनको आप जो है वो टूल्स देंगे और वो सेल्फ सर्विस होने चाहिए उन्हें आम तौर पर किसी की मदद की ज़रूरत न पड़े एंड प्रोवाइड अ ह्यूमन सपोर्ट टीम एज अ लास्ट रिजॉर्ट और अगर उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आपने फिर कोई ऐसा सिस्टम भी बनाना है कि वो किसी से पूछ सकें किसी से हेल्प ले सकें वो कोई लाइब्रेरियन होगा या कोई भी इंफॉर्मेशन का सर्चर होगा कि जो उनकी हेल्प करेगा उसके बाद मैनेजिंग एक्सेस में आता है जी के लिवरेज कम्युनिटीज टू हेल्प सोशलाइज नॉलेज एंड कनेक्ट पीपल टू द राइट कंटेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज आपने ऐसी कम्युनिटीज भी बनानी है या बनाने में हेल्प करनी है कि जो नॉलेज को आपस में शेयर कर सकें और एक दूसरे की एक्सपर्टीज से फ़ायदा ले सकें Uh, उसके बाद है मैनेज चेंज मैनेजिंग चेंज इसमें किन बातों का ख्याल रखना है एम्बेड नॉलेज चैम्पियंस एंड चेंज एजेंट्स इन द बिजनेस कि नॉलेज के जो लोग हैं जो चेंज एजेंट्स हैं उनको आप बिज़नेस का हिस्सा बनाएं बिजनेस के जो प्रोसेस हैं उनका हिस्सा बनाएं मेक नॉलेज कैप्चर ट्रांसफ़र एंड री यूज मेजरेबल आस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसका जो रिवार्ड सिस्टम है उसकी जो एवेलन रिपोर्ट है उसका हिस्सा बनाएं कि वो नॉलेज कैप्चर में कितने हेल्पफुल रहे हेल्प एम्प्लाइज अंडरस्टैंड द लेवल एट विच दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड अलाउ फॉर फ्रेंडली कम्पटिशन कि उनके लिए आसान बनाएं कि वो नॉलेज कैप्चर के सारे प्रोसेस में जिसमें नॉलेज दिया भी जा रहा है नॉलेज सीखा या लिया भी जा रहा है इस सारे प्रोसेस में वो आसानी महसूस करें और इसके साथ साथ आपस में एक फ्रेंडली कम्पिटिशन भी करें जिसमें कोई आगे बढ़ता है तो दूसरे ज़्यादा उसको फील ना करें इसमें जो आखिरी इसमें जो थीम है वो है इंश्योरिंग एप्लीकेशन एंड यूज़ कि कैसे आपने इंश्योर करना है तो इसका तरीका है बिल्ड एलिसिटेड नॉलेज इन टू डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग एंड लर्निंग रिसोर्स उसके जो ट्रेनिंग के रिसोर्स हैं जो वर्कशॉप्स होती हैं जो उसका हिस्सा बनाएँ मेक स्टेक होल्डर एक्सप्लिसिटली अकाउंटेबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये वाजे करें उनको अकाउंटेबल बनाएं कि उन्होंने नॉलेज के इस काम में कंट्रीब्यूट करना है और अप्लाई भी करना है यूज़ मेयर्स एंड सक्सेस स्टोरीज़ टू डेमोस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ़ री कि नॉलेज का जो यूज़ है उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए आप सक्सेस स्टोरीज़ बनाएं, या कोई ऐसा मटेरियल बनाएं, या कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट करें कि जिससे आप उनको समझा सकें कि नॉलेज जो हमने कैप्चर किया है वो आपके लिए कैसे मुफीद है